कई जोर से बारिश आ रही है। सामने साइड देख सकते हैं पूरा। अच्छा एक बात बताइए, अभी का ये मौसम ऐसा हो गया तो दुखी हो आप? नहीं। अच्छा मान लीजिए पूरा पंडाल भीग जाए तो? शिव महापुराण कथा की जो पहली रात्रि का माहौल, दोस्तों अभी रात्रि के 1 बज रहे हैं और रात्रि को 1 बजे देख सकते हैं। बहुत ही जोर से बारिश आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आप सभी। इधर देखिए लोग भगते हुए अपने बोरिया बिस्तर उठा उठा करके इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की जो स्पीड है, जो गति है, वो काफी तेज है, काफी स्पीड से, काफी तेजी से बारिश हो रही है। इधर आंटी लोग को आप सभी देख सकते हैं बोरिया बिस्तर उठाकर, बहुत ही जोर से बारिश आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आप सभी। इधर दाई लोग को देख सकते हैं भागने की फिराक में, दाई लोग यहाँ से। और इधर यहाँ भी आप सभी देख सकते हैं काफी तेज बारिश है, पूरा पंडाल दोस्तों हिलने लगा, इतनी तेजी से तूफानी बारिश यहाँ पे आई है, झमाझम बारिश। चलिए और दिखाते हैं आप सभी को, अभी दोस्तों रात्रि का 1 बजे का अद्भुत माहौल है ये। सामने साइड देख सकते हैं पूरा पंडाल जो है भीग चुके हैं, पानी जो है वो इधर का जो पानी है वो पंडाल के अंदर साइड जाने लगा। तो जितने भी भक्तगण हैं वे सभी अपना जो बोरिया बिस्तर है उसे उठा करके लिए शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे पर। और इधर भरे बारिश में जो आंटी है वो झूम रही है, नाच रही है। इधर नीचे देख सकते हैं दोस्तों पानी जो है पूरा पंडाल के अंदर आ चुका है। अभी नींद पड़ गया था क्या अंकल? सो गए थे आप? अच्छा अचानक से आई बारिश, काफी तेजी से आई। दाई ये बारिश ला देख के कहा बोलवे, क्या बोलना चाहते बारिश ला देख के बता? बोले बाबा की मेहरबानी। ऐसा नींद पड़ गई से आंटी? ऐसा अब आगे क्या करना है? अभी क्या करेंगे, अब देखेंगे जगह अगर मिल गई तो वहाँ बैठेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी का ये मौसम ऐसा हो गया तो दुखी हो आप? नहीं 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 हो, भगवान के दरबार में आए हैं कथा सुनने के लिए, तो दुखी होंगे। ये सही बात बोली आपने। तो इधर देख सकते हैं पानी की सफाई कर रही है। कैसे अजो, कहाँ से हो आप लोग? थोड़ा थोड़ा सा बात कर लीजिए ना इधर ऊपर। हाँ कहाँ से हो? पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड से। अच्छा ये बारिश को देख के आप क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहेंगे, भींग रहे हैं तो पानी खींच रहे हैं। ये बात करते हैं तो ये बारिश ला देख के कहा बोल बे आंटी तय? कुछ बोल बे, बोलना चाहता था अभी के मौसम में देख के। शंकर भगवान अब क्या पाए, बाजार सुन के खुश हो गए। अच्छा दिन गंगा मैया लाती समान उमान तुम इनके भीग गए है, तो कुछ तकलीफ उकलीफ थोड़ी ना है? तकलीफ नहीं है, भोलेनाथ के दरबार में कोई तकलीफ नहीं, वो ये सब देखने वाला। अच्छा बनाने वाला। अच्छा कुछ परेशानी तकलीफ? परेशानी नहीं है, सुनने के लिए आए, परेशानी के लिए। अच्छा ऊपर वाले अच्छा पानी ला रहे हैं। अच्छा कोई परेशानी नहीं है, ये परेशानी नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए, आप लोग सो गए थे क्या? हम लोग सोए नहीं है, हम लोग बैठे भजन। अच्छा तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं नहीं और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ ये माहौल कब मिलता है कब नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा मान लीजिए पूरा पंडाल भीग जाए तो? भीग जाए तो जैसे इतना जनता रहेगी हम भी रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा तो दोस्तों इस तरह से सुन सकते हैं कि चाहे आंधी आ जाए कि चाहे तूफान आ जाए, जो भक्तगण है उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, वे इस मौसम को लेकर के संतुष्ट हैं। और उनका ये भी मानना है कि वे सातों दिन कथा का श्रवण करेंगे,
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे रात्रि पे एक अनोखा और आस्थिक और अद्भुत माहौल बना हुआ है। और आज है दोस्तों शिव महापुराण कथा का पहला दिन हिलदा न्योरा के दशहरा मैदान में। दोस्तों जमाज हम बारिश की वजह से कुछ शिव भक्तों को समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अंकल को देख सकते हैं। और इस वैसे दोस्तों पंडाल तो काफी बड़ा है तो लोगों को परेशानी तो आएगी नहीं, बट वही है कि कुछ लोग सो गए थे तो थोड़े से अपसेट हैं और कुछ लोग इस मौसम को देख करके भक्ति में झूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं झाड़ू वाड़ू लगा रही है आंटी जो है वो पानी को भगाने के लिए। इधर पूरा पानी नीचे साइड आ गया रात्रि के 1 बजे।